हेलो डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, ऑल ऑफ यू आर अगेन वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। एज यू ऑल नो दैट इन माय क्लास बोथ लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इज बीइंग रन। इसी प्रोग्राम के तहत आज हम एक ऐसी पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने व्यक्तित्व में निखार लाना चाहता हो, जो अपने निराशावादी रवैये को आशा में बदलना चाहते हों। दोस्तों, ये जो कविता है, पोएम है, इसका नाम है अनदर चांस, और इसके पोएट हैं, कवि हैं हेलन स्टेनर राइस। आइए दोस्तों, इस कविता को शुरू करते हैं पढ़ना, और उसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आखिर तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मिलने जा रही है जो शायद हमें बहुत कम सीखने को मिलती है। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखें, और ध्यान से अगर आपने सुना तो इन प्रश्नों के जवाब आपको इस कविता में ही मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आर फेल्योर इनटू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य गलतियों का पुलिंदा है, कहते भी है ना, तो अर इज ह्यूमन, राइट। गलती की है और उसको सुधार लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो गलती गलती नहीं रह जाती, लेकिन गलती की है और उसको फिर से दोहराया जाए, वहाँ फिर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आइए शुरू करते हैं। मैं चार लाइनें आपके लिए पढ़ूंगा और फिर उसका अर्थ बताऊंगा। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। जी हाँ दोस्तों, कितनी बार हमारी इच्छा होती है कि हमें एक और मौका मिल जाए, एक और मौका मिल जाए और हम एक नई शुरुआत करें, एक मौका मिल जाए हमारी गलतियों को मिटाने का और हम अपनी असफलताओं को बदल डालें सफलताओं में। दूसरा स्टेंजा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। नई शुरुआत करने में, ब्रांड न्यू शुरुआत करने में एक कोई पूरा दिन नहीं लगता, इसमें लगती है गहरी इच्छा और पूरा दिल, पूरा मन। जी हाँ, अगर पूरा मन से प्रयास किया जाए और पूरी गहरी हमारी इच्छा, जो चाहत है, वो लगा दें तो नई शुरुआत करने में एक पूरा दिन भी नहीं लगता। तीसरा स्टेंजा है, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। थोड़ा और बेहतर जीने के लिए और
हमें दूसरों को क्षमा करने की आदत रखने के लिए हमें हमेशा फॉरगिविंग स्वभाव होना चाहिए और इस दुनिया में थोड़ी सी और चमक हम जोड़ सकें, थोड़ी सी और सनशाइन जोड़ सकें, ताकि ये जो अंधेरा है हमारे आसपास, डार्क है, वो दूर हो सके इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो हमारी वजह से थोड़ी बेहतर बने, और ये बेहतर तब बन सकती है जबकि हमारा स्वभाव क्षमा करने का हो। और अगर ऐसा है तो हमारे आसपास का हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें सफल बनाने में लग जाते हैं। लास्ट स्टेंजा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो। जी हाँ दोस्तों, कभी भी निराशा में हार नहीं मानना है, और कभी भी अपने आप को फालतू नहीं मानना है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, इंसान हैं, जो इस दुनिया में हमारे आसपास आप मूल्य जोड़ते हैं, और हमेशा याद रखिए कल भी होता है। जो बीत गया उसे सोच करके हमें अपना खराब नहीं करना है। हमारा जो आज है उसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे वैसा ही हमारा कल होगा। मतलब इफ यू आर गिविंग योर 100% टुडे टू योर वर्क, योर टुमारो इज रियली गोइंग टू बी वंडरफुल। दोस्तों, ये जो कविता है ये हमारे जीवन में मूल्य जोड़ती है और हमें इससे सीखना चाहिए। इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी है जिनको हम लोग हल करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जो स्क्रीन पर आपको नए वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आप अपनी डायरी में नोट करें, बातचीत के दौरान उनका इस्तेमाल करें। याद रखिए, जिन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं या जिन सेंटेंसेस को आप बार बार बोलते हैं वो उतने ही ज़्यादा आपके होते चले जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हैं और उसका नाम आपको याद रह जाता है। मुझे आशा है कि आप इस पोएम से बहुत कुछ सीखेंगे। बार बार इसको पढ़ें, लिखें और बाय हार्ट याद कर लें, पूछेगा, राइट? जैसे ये वर्ड हैं सक्सेस, सबको मालूम है सक्सेस मीन्स क्या होता है, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम यू ऑल नो फेल्योर, राइट? अगला वर्ड है स्टाइल, स्टाइल मीन्स होता है बासी, यानी जो खाना आपने आज बनाया कल स्टाइल हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट है होप, होप मीन्स आशा। इसका उल्टा आपने ध्यान से अगर पोएम को सुना होगा तो उसमें आया कहीं वर्ड डिस्पेयर, राइट? अगला है एंड यानी अंतिम, ये समापन, तो इसका भी आया था स्टार्ट, राइट? नेक्स्ट वर्ड है शैलो, शैलो मतलब होता है उथला हुआ, जैसे जहाँ गहराई ना हो, राइट? तो इसका एंटोनिम क्या होगा, डीप, राइट? आइए अब कुछ प्रश्न के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप छात्र हैं तो मान के चले कि इन प्रश्नों में से एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही, और यदि इफ़ यू आर डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी देन यू शुड नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें दूसरा मौका क्यों चाहिए रहता है। फर्स्ट स्टेंजा में आपने नोटिस किया होगा तो इसका आंसर होगा वी विश फॉर अनदर चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड टू टर्न फेल्योर इनटू सक्सेस।
राइट, नोट कीजिएगा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए रहता है। तो उसमें हमें कुछ नहीं, गहरी इच्छा और पूरा हृदय, यानी आंसर होगा इट टेक्स डीप डिजायर एंड ऑल और हार्ट और पूरा हृदय। अगर ये है आपके पास तो कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार क्यों नहीं मानना चाहिए। तो उसका कारण है क्योंकि कल भी होता है, आज का दिन ही अंतिम दिन नहीं होता, कल भी आने वाला है और हर चीज़ की फिर से शुरुआत की जा सकती है, हर चीज़ की फिर से शुरुआत करने की आशा होती है, राइट। तो इसका आंसर होगा वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू। डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस पोएम से बहुत कुछ सीखा होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, इसमें अगर आपको अपने लैंग्वेज डेवलप करने का अवसर मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये चीज़ आपके अपने लोगों तक भी पहुँचे। और जो बच्चे कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए तो ये पहला लेसन है ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।